हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टरबाइन के बारे में। आज हम जिस टरबाइन के बारे में जानेंगे उसका नाम है पेल्टन व्हील टरबाइन। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि टरबाइन होती क्या है, टरबाइन कितने टाइप की होती है और पेल्टन व्हील टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर टरबाइन होती क्या है। तो टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ये फ्लूड हमारा वाटर हो सकता है, स्टीम हो सकता है, एयर हो सकता है या कंबस्चन गैस हो सकता है। टरबाइन का जनरली यूज़ हम इलेक्ट्रिकल जनरेशन में करते हैं, यानी कि बिजली पैदा करने में करते हैं और साथ ही प्रोपल्शन सिस्टम में करते हैं। जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वहाँ पर हमारा प्रोपल्शन सिस्टम काम करता है और वहाँ पर हम टरबाइन का ही यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टरबाइन से बिजली कैसे पैदा की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टीम, कंबस्चन गैस, पानी या हवा, इनकी काइनेटिक एनर्जी को लेकर टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इसी टरबाइन से कनेक्ट रहता है हमारा जनरेटर। जब हमारी टरबाइन घूमती है तो जनरेटर भी घूमता है और जनरेटर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है जिसके कारण से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम जानेंगे कि टरबाइन कितने टाइप की होती है। तो टरबाइन हमारी कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन यानी कि वो टरबाइन जो पानी से चलती हैं। ये हमारे दो तरीके की हैं, एक है रिएक्शन टरबाइन और सेकंड है इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन के भी टाइप दे रखे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें मोस्टली जो यूज़ होती है वो है हमारी फ्रांसिस टरबाइन एंड कपलान टरबाइन। साथ ही में साइड में हमारी इम्पल्स टरबाइन के टाइप दे रखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन दिखा रखा है। इसके बाद आता है हमारा स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन भी हमारी दो तरीके की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल। ये होती है हमारी इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन स्टीम टरबाइन। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, इसके आधार पर हमारी टरबाइन दो तरीके की हो सकती हैं, एक्सियल फ्लो स्टीम टरबाइन एंड रेडियल फ्लो स्टीम टरबाइन। इसके बाद हम जानते हैं कि गैस टरबाइन कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेट इंजन टरबाइन, ये वही टरबाइन है जो हमारे एरोप्लेन्स में यूज़ होती है। इसके अलावा हमारा इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन फॉर पावर जनरेशन, क्योंकि कंबस्चन गैस का यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिक जनरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरीके की गैस टरबाइन है और आप इन सब टरबाइनों को अपने नोटबुक में यू नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड टरबाइन। इन टरबाइनों को तो आपने अपने आसपास के इलाकों में देखा होगा। अगर आप कभी साउथ इंडिया गए होगे या गुजरात गए होगे तो वहाँ पर आपने इन विंड टरबाइंस को लगे हुए देखा होगा। तो विंड टरबाइन के टाइप यहाँ पर दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन, जिसके टरबाइन के टाइप यहाँ पर लिखे हैं, और साथ ही में वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन, जिसके टाइप यहाँ पर लिख रखे हैं और आप इनको भी नोट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जो हमारी पेल्टन व्हील टरबाइन है वो क्या है। तो पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है जो कि हाई हेड वाटर और लो वाटर फ्लो पर काम करती है। यानी कि ये टरबाइन ऐसी जगह पर यूज़ होगी जहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है लेकिन जो वाटर फ्लो है वो कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी का हेड है वो 300 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, उन्हीं जगह पर पेल्टन व्हील टरबाइन हमारी यूज़ होती है। इस टरबाइन का इन्वेंशन करा था अमेरिकन इंजीनियर्स लेस्टर एलन पेल्टन पर, जिसके नाम पर इस टरबाइन का नाम पेल्टन व्हील टरबाइन
रखा गया है। पेल्टन मिल टरबाइन एक टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है जिसमें पानी की प्रेशर एनर्जी को सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाता है और एक जेट फॉर्म होता है, वाटर जेट फॉर्म होता है, जो कि पेल्टन व्हील के ऊपर लगी हुई बकेट पर स्ट्राइक करता है। यानी कि ये जो जेट है पेल्टन व्हील के ऊपर जो बनी हुई बकेट्स हैं उससे टकराता है और टरबाइन को घुमाता है। आगे हम और भी डिटेल में जानेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेल्टन व्हील टरबाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन के पार्ट्स, पेनस्टोक, केसिंग, नोजल, स्पीयर, बकेट, रनर एंड ब्रेकिंग जेट। तो यहाँ पर एक लाइन डायग्राम और एक फिजिकल डायग्राम दिखा रखा है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे या किसी पावर प्लांट में जाएंगे जहाँ पर पेल्टन व्हील है तो आपको ऐसी दिखाई देगी। और समझने के लिए यहाँ पर एक लाइन डायग्राम है जहाँ पर टरबाइन के सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं। तो ये हमारा पेन स्टोक है जहाँ डैम से पानी आता है। यहाँ पर हमारा स्पीयर है जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये वाटर जेट है। ये नोजल है जो पानी की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमारा रनर है। ये हमारे बकेट्स हैं। ये ब्रेकिंग नोजल है। ये केसिंग है। इन सब पार्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पैन स्टोक, पैन स्टोक क्या है? पैन स्टोक एक ऐसी चैनल या पाइपलाइन है जो डैम से पानी को टरबाइन तक लाता है। केसिंग, केसिंग एक ऐसा कवर है जो कि पेल्टन टरबाइन को ढककर रखता है और ये केसिंग कास्ट आयरन की या स्टील प्लेट की बनी हो सकती है। केसिंग का काम होता है कि जब पानी का जेट बकेट से टकराए तो पानी इधर उधर ना फैले और साथ ही में किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए केसिंग का प्रयोग करा जाता है। नोजल, नोजल का काम क्या होता है? नोजल का काम होता है कि पानी की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। स्पीयर, स्पीयर का काम होता है जो भी हमारा वाटर फ्लो है उसको कंट्रोल करना। जब भी स्पीयर को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो पानी का फ्लो है वो कम हो रहा है। अगर हमारा स्पीयर पीछे की तरफ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो पानी का फ्लो है वो हम बढ़ा रहे हैं। रनर या रोटर, पेल्टन व्हील में रनर होता है जो कि घूमता है और इसी रनर के ऊपर हमारी बकेट्स लगी रहती हैं और यही वो रनर है जिसकी शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। बकेट, बकेट जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बकेट हमारी दो हेमी स्फेरिकल कप या बाउल से बना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला कप ये है एंड सेकेंड कप ये है और ये दोनों कप एक दीवार के माध्यम से अलग अलग हो गए हैं जो कि यहाँ पर है और इस दीवार को हम कहते हैं स्प्लिटर। इसी बकेट के ऊपर जो हमारा वाटर जेट है वो आकर स्ट्राइक करता है। ये आप देख सकते हैं ये स्पीयर है और वाटर जेट यहाँ से निकलकर स्प्लिटर पर स्ट्राइक करता है और इसके बाद ये वाटर जेट दोनों डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, इन डायरेक्शन में चला जाता है। ये जो डायरेक्शन का एंगल है जो आप देख सकते हैं, ये जो एंगल है डायरेक्शन का, ये एंगल रहता है 160 डिग्री से लेकर 170 डिग्री। जब ये जो वाटर जेट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इसी के कारण एक मोमेंटम फोर्स कार्य करता है और ये हमारी जो बकेट्स हैं वो घूमने लगती हैं। हमारी बकेट्स कास्ट स्टील से बनी हो सकती हैं, ब्रॉन्ज की बनी हो सकती हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके टरबाइन की रिक्वायरमेंट कैसी है।
अब हम जानेंगे कि ब्रेकिंग जेट क्या होता है। जब कभी हमें टरबाइन को बंद करना होता है तब हम स्पीयर्स को पूरा आगे तक ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर का फ्लो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, लेकिन टरबाइन घूमना बंद नहीं करती। इसके पीछे का रीज़न है इनर्शिया। इनर्शिया के कारण टरबाइन कंटिन्यू घूमती रहती है। अगर हमको टरबाइन को जल्दी से रोकना है तब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा नोजल बकेट की बैक साइड में दे देते हैं, ताकि उस नोजल को चलाकर हम टरबाइन को जल्दी से रोक सकें, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारा वाटर जेट है। जब यह वाटर जेट इस बकेट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो बकेट हमारी ऐसे घूमती है, और अगर हमको टरबाइन को रोकना है तब हमने यहाँ पर एक ब्रेकिंग नोजल दे रखा है, और ये जो नोजल है इसका फोर्स लगेगा इधर की ओर, और इसी फोर्स के कारण हमारी जो टरबाइन है वो जल्दी से रुक जाती है। अब हम जानेंगे कि पेल्टन व्हील टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो इस टरबाइन के अंदर होता क्या है, जो हमारा रिजर्वायर है वहाँ से पानी पेन स्ट्रोक के माध्यम से नोजल तक आता है, और ये नोजल पानी के प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। जब ये नोजल से पानी निकलता है तो ये एक जेट के फॉर्म में निकलता है और जाके टकराता है सीधे बकेट के ऊपर, और बकेट के भी ऊपर कहाँ पर, स्प्लिटर पर, जो हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था। और जब ये जेट बकेट के ऊपर टकराता है तब पानी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, और जैसे ही पानी की डायरेक्शन चेंज होती है तो एक मोमेंटम फोर्स जनरेट होता है जो कि टरबाइन पर लगता है, और इसी मोमेंटम फोर्स के कारण एक इम्पल्स फोर्स भी जनरेट होता है, और यही इम्पल्स फोर्स टरबाइन को रोटेट करता है, और इस तरीके से हमारी जो पेल्टन व्हील टरबाइन है वो कंटिन्यू घूमती रहती है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमारा वाटर जेट बकेट पर टकराएगा तो वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल पर टकराएगा, वो कंटिन्यू नहीं टकराएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये हमारा पेन स्ट्रोक है जहाँ से पानी आ रहा है, ये हमारा नोजल और स्पीयरिंग सिस्टम है जो कि टरबाइन को घुमा रहा है। आप इस एनिमेशन को आराम से देख सकते हैं और इस प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये नोजल हमारी टरबाइन को घुमा रहा है, और ये जो ब्रेकिंग नोजल है ये टरबाइन को रोक रहा है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नोजल है वो पेल्टन व्हील टरबाइन को घुमा रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।